हाय गाइज, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। दोस्तों, आईफोन 6 से लेकर जितने भी लेटेस्ट आईफोन्स आए हैं, आईफोन 13 प्रो मैक्स, आईफोन 13 मिनी, आईफोन 11, 12, 10, 8, 7, सभी को iOS 15.0.1 का अपडेट सेंड किया गया है। और इस अपडेट में क्या खास चीज़ें आई हैं, क्या न्यू आपको, व्हाट्स न्यू आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें अपडेट के नीचे स्पेशली एक बग फिक्सेस बेसिकली ये अपडेट दिया गया है। और सेकंड नंबर पर यहाँ पर जो 13 प्रो मॉडल्स हैं उनमें एक एरर आ रहा था कि जो एप्पल वॉच से वो डिसकनेक्ट हो रहे थे या फिर एप्पल वॉच से अनलॉक नहीं हो रहा था आईफोन 13। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए एप्पल ने अपडेट रोल आउट किया है। लेकिन ये एप्पल ने अपडेट आईफोन 6s को क्यों रोल आउट किया है, तो बेसिकली आपको दिखाया जाए, मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि आप इस अपडेट को ज़रूर इंस्टॉल करें अपने आईफोन में। मैंने इंस्टॉल किया है और मुझे क्या चीज़ देखने को मिली है। सबसे पहले बात की जाए बैटरी की। दोस्तों, बैटरी में यहाँ पर सबसे पहले अगर आप इसका अबाउट सेक्शन चेक करेंगे तो इसका जो बिल्ड नंबर है वो चेंज्ड मेरे को देखने को मिला है। लेकिन इसका जो अपडेट का साइज़ था वो मेरे केस में यहाँ पर, जस्ट होल्ड ऑन, आपको मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, आपको मैं दिखाना चाहूँ, देख सकते हैं 485 MB का है। तो इतना बड़ा साइज़ नहीं है, आपको इसे ज़रूर इंस्टॉल करना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये जस्ट आपको 2 मिनट में अभी पता चलेगा कि क्यों इंस्टॉल करना चाहिए। इसमें सबसे खास बात क्या है इस अपडेट में, जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको अपडेट यहां पर शो होगा, डाउनलोड एंड इंस्टॉल, अभी डाउनलोड पे लगा दो, क्योंकि इसने प्रिपेयरिंग करते हुए आपका कम से कम इसने 5 से 10 मिनट ले लेने हैं आईफोन 6s में अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं। और अपने जो टिप्स में अगर बात करूं दोस्तों, आपको बिल्कुल भी कवर को उतार लेना है, केस को डाल के अपने फ़ोन को अपडेट नहीं करना है, क्योंकि जब ये प्रिपेयरिंग कर रहा था फ़ोन एक तरह से हीट इतना हो रहा था डायरेक्टली बैटरी हेल्थ को असर पड़ सकता था। मैं जस्ट इसे कूल डाउन कर रहा फ़ैन के नीचे, या फिर कभी कभी तो ये फ़ोन फ्रिज में भी गया 10 मिनट के अंदर अंदर। तो जस्ट इसे आपको कूल डाउन रखना है कि आपकी बैटरी हेल्थ को असर ना हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, डाउनलोड होने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, जस्ट इसने प्रिपेयरिंग अपडेट में 10 मिनट लगा दिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो स्टोरेज कितनी फिल्ड है वो है 13.3 GB, ठीक है जी। लेकिन ये है अपडेट के बाद की स्टोरेज, जो मैंने अपडेट करने के बाद स्क्रीनशॉट लिया है वो है 13.3 GB। लेकिन अपडेट करने से पहले आप स्टोरेज को चेक करो, पहले फिल थी 17.1 GB। जैसे कि आप हाईलाइटेड स्क्रीनशॉट देख सकते हो, 32 GB में से 17.1 GB, और जो क्रोम है वो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन मेरी जो स्पेस घेर चुकी है। और यहाँ पर आपको मैं डिफरेंस किस चीज़ में आया है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं iOS सिस्टम जो इसका 6.85 GB का है, आपको जस्ट इस चीज़ को ध्यान से मेंशन करना है जो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि आपको ये क्यों इंस्टॉल करना चाहिए। उस चीज़ की मैं डिटेल में वीडियो इसलिए बना रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं सिस्टम डेटा इसका है 7.21 GB। तो गाइस, यहाँ पर आप इस जब इस अपडेट को इंस्टॉल कर लोगे अपने आईफोन में, अपडेट होने के बाद में आप देख सकते हैं इसकी स्टोरेज डायरेक्टली 17 से 13.3 GB हो गई। और यहाँ पर ये ऐसा नहीं कि इसमें कोई फोटोज़ या एप्लीकेशंस डिलीट हुई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी जो स्टोरेज है वो 13.3 GB हो गई है। तो ये जो क्या चीज़ रिड्यूस की गई है, इसका सिस्टम जो अदर्स फोल्डर था ना वो पूरा का पूरा रिड्यूस किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं सिस्टम डेटा में 7.21 GB, लेकिन अपडेट करने के बाद में इसका साइज़ देखो 3.36 GB, 7 GB से एकदम 3 GB पे आ गया। दोस्तों, इसमें आपको फ्री स्टोरेज बहुत ही इंप्रेसिव तरह से फ्री देखने को मिलती है। आपको जल्दी से जाना है, उस अपडेट को कर लेना है इंस्टॉल, क्योंकि जो 16 GB वाले फ़ोन है ना उनके लिए ये बेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट है। मान लो कि आपका आईफोन का सिस्टम जो iOS डेटा है वो है 6 GB का ओवरऑल, और आपने सिस्टम पहले आपका सिस्टम 7 GB का था, 7 और 6 ये तो आपकी 16 GB वैसे ही ऑक्यूपाइड हो गई, तो आप फोटोज़ वगैरह क्या रखोगे। तो यहाँ पर एप्पल ने अपडेट रोल आउट किया है जिसके कारण आपकी जो अदर्स या सिस्टम डेटा है वो एकदम से रिड्यूस हो गया है, 6 और 3 हो गए 9, 10 GB के आसपास आपका जो 16 GB वाला वेरियंट है उसमें 10 GB का सिस्टम हो गया मान लो। और सेकेंड नंबर पर 2-3 GB की आप जो भी 6 GB आपको फ्री मिलती है, वैसे 6 टोटली नहीं मिलती है, 5 GB के आसपास आपको जो स्टोरेज है वो फ्री मिलेगी, तो आप उसको वैसे यूज़ कर सकते हो 16 GB वाले वेरिएंट को। तो यहाँ पर अगर ऐप ओपनिंग स्पीड की बात करें तो स्पीड लिटिल बिट सी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। मैंने बेंचमार्क स्कोर रन की है, पहले भी ओवरऑल ठीक थी, और यहाँ पर एक दो पॉइंट्स का कुछ फ़र्क है। तो ऐसा नहीं है कि इस अपडेट ने आईफोन को स्लो कर दिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट इसने थोड़ा सा फास्ट किया होगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर स्टोरेज फ्री होगी, कि जितनी आईफोन की स्टोरेज फ्री होगी आईफोन को उतना ही चलने में आसानी होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं 13.4 GB अभी मेरी आईफोन की अवेलेबल
यहाँ पर ऑक्यूपाइड है, पहले 17 से कुछ प्लस थी, तो आपको जल्दी से जाना है और इस अपडेट को इंस्टॉल कर लेना है। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है अपने आईफोन में तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, मिलते हैं नेक्स्ट में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।